नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कानपुर से दिल्ली आ रही बस ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार देती है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, आखिरकार इस घटने का जिम्मेदार कौन है, दोस्तों क्या है पूरी घटना, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कुछ नई जानकारी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा और नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिरकार किसकी गलती के कारण ये दुर्घटना बार बार हो जाती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों होता यूं है कि आज गुरुवार की सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। आपको बता दें, कानपुर से 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही बस गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे जैसे ही मथुरा थाना के नौझील क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचती है, तभी बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद बस एक्सप्रेस वे की साइड में लगी रेलिंग के पास पहुँच जाती है, जिसमें 35 लोग घायल हो जाते हैं और 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद बस में बैठे सभी यात्रियों में चीख पुकार मचने लगती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि ये घटना किस कारण से हुई है। दरअसल दोस्तों, बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बस के ड्राइवर को नींद आने के कारण कानपुर से दिल्ली आ रही बस की भीषण टक्कर यूं कहें तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो दोस्तों आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।